आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। दूसरी खबर है 10 मार्च को नतीजों को लेकर, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर है सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी वापसी करेगी। और चौथी बड़ी खबर है अखिलेश यादव से जुड़ी। अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि 2022 में बीजेपी का सफाया होगा और सपा की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम जो पार्टियां हैं वो दावे भी ठोकने लगी हैं कि एक बार फिर से 10 मार्च को जीत का जो सेहरा होगा उनके सर पर सजता हुआ नजर आएगा। तमाम जो पार्टियां हैं अब वार पलटवार का सिलसिला जो है उनमें शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर तंज कसना, एक दूसरे की खामियां गिनाना, ये सब अब शुरू हो चुका है। यानी कि असली चुनाव बिगुल जो है वो अब बच चुका है। तो चार बड़ी खबरें हमने आपको दिखाया जिस पर विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच नारों का दौर शुरू हो गया है, तंज का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी सीएम ऑफिस ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर इशारा साध दिया है। लिखा है कि बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। सुनो बबुआ #, फिर आ रहा है महाराज जी और भगवान लहराता रहेगा। तो ये आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया। बबुआ बता रहे हैं भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो सुनो बबुआ #, फिर आ रहे हैं महाराज जी और भगवा लहरा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि जिस तरीके से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया उसके बाद अब लगातार ये सिलसिला शुरू हो चुका है और वार पलटवार जो है वो लगातार चल रहा है। तो ये सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। ये तंज कसा गया है और ये बता दें आपको कुछ इसी तरीके से वार पलटवार का सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा, ये कहा गया है। क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी को इसका बेनिफिट होगा। सपा की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ऑनलाइन तमाम ये चीजें होती हैं तो इसका बेनिफिट जो है बीजेपी को जाएगा, संसाधन ज्यादा उनके पास है और जो तमाम और छोटी पार्टियां हैं उनके लिए यहां पर नुकसान होगा। तो वहीं पर सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार, हमने आपने बताया, हमने आपको राम का नाम हनुमान भी लेते थे उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये उन्होंने कहा कि राम का नाम कालनेमी भी लेते थे, जनता को राम भक्त और कालनेमियों की पहचान है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को बताया है घोषणा वीर भी। समाजवादी सिर्फ घोषणा करते हैं, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो देखिए चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों के ऐलान के साथ ही अब वार पलटवार और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो तंज कसना, खामियां गिनाना, अब ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने निकल कर आएंगी। हालांकि पहले से तमाम पार्टियां जो हैं वो रैलियों के दौरान ये करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब ये प्रहार जो है और तेज होता हुआ नजर आएगा क्योंकि तारीखें सामने आ चुकी हैं। राम का नाम हनुमान भी लेते थे, राम का नाम कालनेमी भी लेता था। राम भक्तों की पहचान और छद्म वेश में छुपे हुए कालनेमियों की पहचान भी जनता करती है। ये सब घोषणा वीर हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। जब कोई भी औजार और कोई भी शस्त्र इनके पास नहीं तो उसके आप फ्री 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 की बात करते हैं। फ्री हमने किया है, जहां आवश्यकता थी हमने किया है।